हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सावन का आखिरी सोमवार है और इस सोमवार का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है, इसलिए सभी जन जो भी शिव मंदिर जाने वाले हैं, इस बार आपको एक छोटा सा काम करना है। सावन का आखिरी सोमवार यानी चौथा सोमवार है, आप जब भी शिव मंदिर जाएं, वहां से आपको एक छोटी सी चीज लेकर के आनी है और उसको ला करके अपने घर में पुड़िया बना करके रखनी है, जिससे आपकी सभी ग्रहों और दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, 12 अगस्त सावन का अंतिम सोमवार और इस माह, इस बार सावन में कुल 4 सोमवार हमने बिताए हैं और बहुत ही खूबसूरत योगों में बिताए हैं। आपको बता दूं, दूसरे सोमवार को और चौथे सोमवार दोनों दिन सोम प्रदोष व्रत आया है। तीसरे सोमवार को हमने नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग बनाया था और पुराणों में भी ऐसा लिखा गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से विधि विधान के दिन सावन के सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सखीरी सावन आयोरी, भोले को मनाने का मौसम आयोरी, सखीरी सावन आयोरी। दोस्तों, सावन में भगवान शिव के भक्तों पर खास कृपा बरसती है और शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस माह में महादेव को प्रसन्न करने के लिए हम तमाम प्रकार की साधनाएं करते हैं, जिनसे प्रसन्न होकर के भोलेनाथ अपने सभी भक्तों की सभी बाधाओं को दूर करते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए हो या शादी विवाह के लिए हो, पितृ दोष से मुक्ति के लिए हो, रोजगार में बाधा संबंधित समाधान के लिए हो, हर चीज में प्रदोष व्रत आपको बहुत बहुत काम आता है। खासकर सोम प्रदोष जो करते हैं, शिव जी की उपासना की तिथि मानी जाती है और अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सावन में जब सोम प्रदोष आता है तो इस अद्भुत संयोग में जीवन की हर मनोकामनाओं को आप पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, इससे आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं दूर होती है। अगर संतान से जुड़ी कोई संबंधित समस्या है तो इस दिन भी पूजा उपासना करके आप लाभ ले सकते हैं और सावन का चौथा सोमवार प्रदोष काल में अगर आप पूजन करते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारी होता है। प्रदोष काल किसे कहते हैं? प्रदोष काल उस समय को कहते हैं जब सूर्य अस्त हो गया हो लेकिन रात अभी नहीं आई है, यानी सूर्य अस्त के बाद और रात होने के पहले के बीच की जो अवधि होती है उसे हम प्रदोष मानते हैं। और भोलेनाथ इस समय माना जाता है पृथ्वी पे जितने शिवलिंग होते हैं उस सभी में पर्सनली प्रकट होते हैं, इसलिए इस समय पूजन करके आप जो भी मनोकामना करते हैं वो जरूर पूर्ण होती है। विधिवत आपको पूजा करनी चाहिए और व्रत की कथा सुननी चाहिए, साथ ही साथ शिव मंत्रों का जप भी करना चाहिए। दोस्तों, सावन माह का लास्ट सोमवार है और पूजा मुहूर्त है शाम को 6:59 से लेकर रात को 9:10 का। भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और हो सके तो पंचगव्य से आप महादेव का अभिषेक करें। गौ माँ की जो 5 चीजें होती है उसे हम पंचगव्य कहते हैं, दूध, दही, आप घी और गौमूत्र और गोबर थोड़ा सा लेकर के सभी चीज़ें एक लोटे में आप जल के साथ, गंगा जल के साथ मिक्स कर लें और उससे आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। दोस्तों, सोम प्रदोष में भगवान शिव के रुद्र अभिषेक का बहुत बहुत महत्व होता है, उनके श्रृंगार करने का बहुत बहुत महत्व होता है और इससे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। लड़का हो या लड़की हो, उनसे शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है। आपको अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कारोबार की सफलता की कामना हो तो दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए, फिर शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। इस पूजा से आपको प्रत्येक काम में सफलता मिलती है। जब भी आप प्रदोष व्रत की पूजा आरंभ करेंगे उससे पहले आपको स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। ध्यान रखें, नीले और काले रंग के वस्त्र पूजन में नहीं धारण करते, बाकी आपकी जो इच्छा हल्के हल्के रंग के वस्त्र पहने और संभव हो तो उत्तर पूरब की ओर मुख करते हुए पूजा के स्थल पर आपको बैठना चाहिए। 5 रंगों से रंगोली बनाएं, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते अभिषेक करें और अभिषेक के बाद विधिवत पूजा करनी चाहिए। बिलपत्र, धतूरा, फूल, मिठाई, फल, सभी चीजों से भगवान शिव को भोग लगाएं। भोलेनाथ का ध्यान करें, करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले,
पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरत हस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न चढ़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सभी कष्टों को दूर कर हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से ध्यान करें, सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने सुनाएं और कथा समाप्ति के बाद अगर आप चाहें तो हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम रिम क्लिम नमः शिवाय स्वाहा, क्या बोलेंगे, ओम रिम क्लिम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति देकर के हवन कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी की आरती करें, उपस्थित जितने जन हों उनके साथ मिलकर आरती करें, सभी को प्रसाद वितरण करें, इसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। कभी भी सोमवार शिवजी के व्रत में 3 प्रहर का व्रत होता है यानी 9 घंटे का व्रत होता है। शाम को आप अभिषेक करने के बाद प्रदोष काल के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों या सीधा नमक का आपको प्रयोग करना चाहिए और जो लोग भी आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं उनके लिए ये प्रदोष व्रत बहुत ही चमत्कारी होता है। रात के समय भी आपको सोना नहीं चाहिए, शिवजी के सामने बैठ करके घी का दीपक जलाएं, शिवजी के मंत्रों का जप करें और ध्यान रखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग आपको शिवजी की पूजा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे हल्दी है और कुमकुम है। ये सभी चीज़ें शिवजी वैरागी माने जाते हैं, इसलिए कभी भी इनको इस तरह से सुहाग की चीज़ें उनके ऊपर डायरेक्ट नहीं चढ़ानी चाहिए। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें आपको जलेरी पर चढ़ा सकते हैं या पार्वती माता को चढ़ाएं, पर भोलेनाथ को आपको नहीं चढ़ाना है। फूलों में भी ध्यान रखना चाहिए, केतकी और चंपा के फूल श्रापित हैं इसलिए वो नहीं चढ़ाए जाते। शिवजी को आप धतूरा आंकड़े ये फूल आप चढ़ाइए, गुलाब चढ़ाइए, बाकी आप सफ़ेद फूल चढ़ाइए, आंकड़े का फूल चढ़ाइए, इससे बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पत्ता हर देवी देवता की पूजा में सबसे पहले चढ़ाया जाता है, लेकिन शिव जी या शिव परिवार को, चाहे वो गणेश जी हों या शिव जी हों, उनको तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि शिव जी की पूजा में इसको अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार नारियल के पानी को भी भगवान शिव का अभिषेक उससे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम नारियल साबुत चढ़ाते हैं, नारियल कभी भी शिव पूजा में नहीं चढ़ाया जाता, और आप चाहें तो कच्चा जो नारियल होता है डाब जिसे कहते हैं उससे, उसके जल से भले आप शिवजी का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन पका हुआ जो नारियल होता है जिसमें गूदा आ जाता है यानी वो प्रजनन शक्ति का, क्या होता है नारियल को भी क्या कहते हैं, बच्चा होना या प्रजनन जो शक्ति होती है उसका प्रतीक माना जाता है, इसलिए नारियल को भी, नारियल का जल भी शिवजी पर नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि वो वैरागी हैं। अब आते हैं जब हम पूजन कर लेते हैं उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर शिव मंदिर से घर लेकर के आते हैं और एक चमत्कारी सा उपाय करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत उपाय होता है। मैंने लास्ट आपको तीसरे सोमवार पर बताया था कि आपको शिव मंदिर में जाना चाहिए और जब शिव जी का अभिषेक हो रहा हो या फिर आप खुद करें गंगा जल और दूध से ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए, इसके बाद जो अभिषेक का जल होता है, जल प्रवाह जो जलेरी से नीचे आ रही होती है, उसको आपको तांबे या फिर पीतल के लोटे में ले लेना चाहिए। इसके बाद उस जल को अपने घर लाना चाहिए और पूरे घर में दुर्बा की मदद से उस जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, नजर दोष की हो, किसी ने कुछ किया धरा हो या आपके घर में भाग्य दुर्भाग्य घर करके रखा है, लोगों का सौभाग्य नहीं आता, करियर में दिक्कतें आती है, इन सभी प्रकार की लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं, ये सभी समस्याएं आपके जीवन से दूर होती है और भोलेनाथ की असीम कृपा आपके घर पर बरसने लगती है। भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं और अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी बहुत ही आसानी से प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा से अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर करते हैं। इसी प्रकार आपको बता दूं, इस बार जब आप शिव मंदिर जाएंगे तो आपको थोड़ी सी भस्म बाबा की लानी है। दोस्तों, ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण करता है, विष्णु भगवान पालन पोषण करता है, लेकिन जब भगवान शिव की बात आती है तो लोग इन्हें विध्वंस करता मानते हैं। विध्वंस का अर्थ क्या होता है, समाप्ति, और भस्म को भी इसी अंत और इसी विध्वंस का हम प्रतीक मानते हैं। इस तरह शिव अपने भक्तों को हमेशा स्मरण कराते हैं कि पाप के रास्ते पर आपको नहीं चलना चाहिए क्योंकि अंत में सब राख ही राख होगा।
शिव के शरीर पर लिपटी हुई भस्म की जब हम धार्मिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो माना जाता है कि शरीर के लिए, जिस शरीर के लिए हम इतना घमंड करते हैं, जिसकी सुविधा के लिए, जिसकी सुरक्षा के लिए हम दिन रात एक करते हैं, वो शरीर एक दिन भस्म के समान जलकर राख हो जाने वाला है। शरीर क्षण भंगुर है, अनंत है तो सिर्फ आत्मा है। इसलिए हमें मंदिर से शिव जी की भस्म यही समझते हुए लाना चाहिए कि आखिर समय सब कुछ भस्म की भांति हमें भी एक दिन राख हो जाना है। अगर आपको नहीं मिलती है भस्म तो जो नारियल होता है उसके छिलकों को लेकर खुद से भस्म तैयार कर ले और फिर उससे आप बाबा का थोड़ा सा अभिषेक करें और जो नारियल का पानी निकलेगा उसको आपको रख लेना चाहिए। नारियल पानी नहीं हो तो कोई बात नहीं, बस वो जटा को जलाकर राख करके बाबा भोलेनाथ की आप अभिषेक करें उससे। उसके बाद वहाँ से या पहले से लोगों ने चढ़ाया हुआ है भस्म तो थोड़ी सी भस्म उसको आपको घर लेकर के आनी है और सात पुड़िया आपको बनानी है। अब ये सात पुड़िया में से चार पुड़िया आपको अपने घर के चारों कोनों में रख देनी है और उनमें से एक पुड़िया घर की छत पर, एक पीपल की जड़ में या किसी भी पौधे की जड़ में, तुलसी में नहीं डालना इस बात का ध्यान रखें, और एक पुड़िया हमेशा अपनी जेब में रखनी चाहिए। ये सात दिन जब आपके पूरे हो जाएं तो सभी पुड़िया एक जगह पर आपको इकट्ठी कर लेनी है और उनमें से एक पुड़िया उस प्रतिष्ठान के द्वार के किसी कोने में छुपा करके रखें जहां पर आपको आजीविका कमानी है या पैसा आपका धन का स्थान हो, आपके काम धंधे का स्थान हो, प्रोफेशनल स्थान हो, वहां पर आपको रखना है। बाकी सभी पुड़िया आपको लेकर किसी जल में विसर्जन कर देना या पीपल के नीचे या किसी पौधे के नीचे आपको दबा देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। आप देखेंगे दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का वास होगा, सभी प्रकार के धन संपत्ति का वास होगा और जिस प्रतिष्ठान में आप इस एक पुड़िया को रखते हैं वहां आपको स्थायी आजीविका जरूर मिल जाने वाली है। दोस्तों भोलेनाथ की शरण में आने का मौसम है, बड़े से बड़े दुखों का अंत हो जाता है और मनुष्य अपना जीवन सुखपूर्वक बिताता है। इसलिए आप भी भोलेनाथ की शरण लीजिए। सावन का आखिरी सोमवार है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए और सोम प्रदोष व्रत है तो जो लोग भी कथा सुनना चाहते हैं आगे मैं सुना देती हूँ, ध्यान से सुने। बोलिए भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी और उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उनका जब कोई आश्रयदाता नहीं था इसलिए सुबह होते ही वो अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षा मांगकर ही ब्राह्मणी अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी और एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई और वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था और शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था, राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा और एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा, उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई, उन्हें भी राजकुमार भाग गया और कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी और इसके प्रभाव से ही गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे वैसे ही भोलेनाथ अपने दूसरों के भक्तों के दिन भी फेरते हैं। आपके भी फेरेंगे, हमारे भी फेरेंगे और सदा बाबा भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाए रखें हम सभी पर, आशीर्वाद बनाए रखें। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। सावन का महीना आप सभी के लिए पूर्णता लेकर के आया है। आज पूर्णता का दिन है तो आज के दिन बाबा भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाएं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया तो कम से कम ये काम जरूर करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बहुत सारे खूबसूरत दिन आगे भविष्य आता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। सावन का चौथा सोमवार है और ये काम को ज़रूर करें, सभी ग्रहों और पितृ दोषों से आपको भी मुक्ति मिलती है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे ज़रूर शेयर करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइव बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रह सकें। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।